नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले ने 4 लोगों को कुचल दिया। काफिले में मौजूद फॉर्चूनर गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो सड़क के किनारे जा रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है, अभी वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं अगर देखा जाए तो गोंडा जिले के करनालगंज हुजूरपुर मार्ग पर कैसरगंज से करण भूषण का काफिला हुजूरपुर की तरफ जा रहा था और इस दौरान बैकुंठ डिग्री कॉलेज के पास सड़क पार कर रहे बाइक सवार को काफिले में मौजूद एक फॉर्चुनर गाड़ी ने रौंद दिया और इस गाड़ी पर पुलिस एस्कॉर्ट भी लिखा हुआ था और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 युवकों की कुछ ही दूर जाकर वो गिर गए और हादसे में शामिल फॉर्चुनर गाड़ी भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और इस हादसे के बाद काफिले में शामिल सभी लोग वहां से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर जबरदस्त तनाव देखना चालू हो गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर दिया। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए ना ले जाने की जिद पर अड़े लोगों ने पुलिस की नोकझोंक उनसे हो गई। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस दौरान पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को भी शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि घटना के वक्त करण वहां मौजूद थे या नहीं अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और मृतकों के परिजनों ने घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है और इस एफआईआर में करण का नाम नहीं है। वहीं परिजनों के मुताबिक घटना के वक्त करण भूषण सिंह वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए एफआईआर में उनका नाम नहीं दर्ज करवाया गया। वहीं हादसे में शामिल गाड़ी नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर्ड है और ये इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है वो कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह है। करण भूषण की बात करें तो भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं और करण का अगर अभी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 1990 में उनका जन्म हुआ। वहीं आपको बता दें करण भूषण सिंह डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं और वो पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में पहली बार चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन क्या करण भूषण का अब जीतना, तो चुनाव हो गए हैं वहां पर, 5वें चरण में मतदान हुए थे, लेकिन अगर उनकी जीत तय हो जाती है तो उसके बाद क्या जनता का जो प्यार है वो करण भूषण के लिए उतना ही बरकरार रहेगा या फिर जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का मामला इतने दिनों से चलता आ रहा था तो क्या भारतीय जनता पार्टी दोनों को अपनी पार्टी से निकाल सकती है, उनका टिकट काट सकती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि इस तरीके से काफिले का निकलना, चुनाव प्रचार भी नहीं है तो क्यों काफिले को निकाला जा रहा है, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और कहीं ना कहीं 2 लोगों की तुरंत मौत हो जाना इस बात की गवाही है कि अमीरों के लिए गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती है। क्या यही बात है कि करण भूषण सिंह का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है, काफिला उनका, गाड़ी उनके पिताजी की और इंस्टीट्यूट उनका, तो करण भूषण सिंह इतनी आसानी से अगर इस मामले से निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों और जनता के साथ अन्याय देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि अगर करण भूषण सिंह इस बार जीत जाते हैं तो क्या उनको किस तरीके से जनता स्वीकारते हुए नजर आएगी। अगर इस पर कोई जस्टिफाई तरीके से कोई एक्शन नहीं लेंगे बृजभूषण शरण सिंह और करण भूषण सिंह, तो हो सकता है कि जनता के मन में उनके लिए कसक रह जाए। अब ऐसे में क्या बृजभूषण शरण सिंह अपनी चीज़ों को किस तरीके से क्लियर करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से अब जनता का सामना करेंगे। उनके ऊपर पहले ही महिला यौन शोषण मामले में आरोप तय हो चुके हैं। अब ऐसे में राव जीवनी कोर्ट अगर उनको बड़ा झटका देता है तो कहीं ना कहीं बाप बेटे दोनों को बड़ा झटका लग सकता है कोर्ट के माध्यम से। लेकिन इसमें करण भूषण का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उनका काफिला निकल रहा है, चारों तरफ से करण भूषण सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से मामला निकल कर आया, अब इसको विपक्ष कहीं ना कहीं अजय सिंह टेनी से जोड़कर दिखाया बता रहे हैं। वो लखीमपुर खीरी का जो इंसिडेंट था उसको अब पार्ट 2, लखीमपुर खीरी पार्ट 2 अब इसका इंसिडेंट का नाम दिया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इसी बात को उठाता हुआ नजर आ रहा है कि लखीमपुर में जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, इसी तरीके
तरीके से अब एक सत्ता के गुरूर में कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण ने भी यही कांड किया है। अब विपक्ष लगातार इसी बात की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या इन विवादों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी बाप और बेटे के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेगी या फिर उनको पार्टी से निकालेगी या फिर वो पार्टी में ही बरकरार रहेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और 4 जून को सभी सीटों के परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में कैसरगंज सीट को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा था, अगर वहां से बृजभूषण शरण सिंह की हार होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की इसमें बड़ी जीत मानी जाएगी और कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के लिए भी ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि महिला पहलवान लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाती हुई नजर आई थी। जब उनके बेटे को टिकट दिया गया तब साक्षी मलिक ने ट्वीट किया था कि भले ही बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया हो लेकिन उनके बेटे को तो टिकट दिया गया है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं है उनको टिकट देना या बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके के मामले निकल कर सामने आए थे। लेकिन क्या इस बार भी इसी तरीके की बातें होने वाली है, इतनी आसानी से करण भूषण सिंह आराम से निकल जाएंगे या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए नजर आएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।